भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। स्कूली बच्चों से भरा टोटो रिक्शा बनकट्ठा पोखर में जा गिरा। इस पोखर में लबालब पानी भरा हुआ है। स्कूली बच्चों से भरा टोटो रिक्शा के पोखर में पलटते ही शोर शराबा शुरू हो गया। इस शोर शराबा को सुनते ही आसपास के लोग इकट्ठा हुए और सभी स्कूली बच्चों को पोखर से निकाला गया, परंतु टोटो रिक्शा चालक सहित तीसरी कक्षा के एक छात्र को नहीं बचाया जा सका। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे भागलपुर के आवासीय ज्ञान निकेतन में पढ़ाई किया करते थे और प्रत्येक दिन की तरह रिक्शा से विद्यालय जाया करते थे। सर, हम आवासीय स्कूल में बच्चे को पढ़ने भेजते थे, टोटो पे चलाता था बड़ना यादव, वही डेली लेके जाता था, आज भी लेके गया था वो। और वो जो है कहाँ गया, ने किसको भेज दिया ड्राइवर को लाने के लिए, हमें कोई सूचना नहीं दिया। आता था अपना मेरी जान दे के इधर से, आज किधर से कोढ़ा गेट से लेके आया, आज आके पोखर में गाड़ी गिरा दिया सब बच्चा जो उसी में। कितना बच्चा सवार? सात बच्चा। हाँ, सात में कुछ। किस स्कूल में पढ़ाई करते हैं? आवासीय स्कूल। आपका क्या नाम? आप कौन है? आपके बच्चे का नाम क्या था? ओम झा। इधर से आया तो पोखर में घुसा दिया। कितना थे बच्चे? सातों निकल गया। डेट कितने की हुई है? एक तो अभी हो गए, अभी मतलब अभी किस क्लास में पढ़ते हो तू? थ्री। और वो सब कितना में पढ़ते थे सब बच्चा? टू वन में। टू और कोई वन में। कैसे जाते थे डेली टोटो से? कौन लेके जाता था, नाम बता है? भागलपुर पुलिस विभाग में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। भागलपुर के SC/ST महिला थाने के ऊपर बैरक में MT प्रभारी अभिषेक कुमार फंदे से झूलते हुए पाए गए, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही DIG विवेकानंद, SSP आनंद कुमार के अलावे कई पुलिस पदाधिकारी व FSL की टीम घटना स्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भागलपुर की DIG विवेकानंद ने बताया कि MT प्रभारी अभिषेक कुमार, जो गया जिला के जमरी मगध थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, वो पुलिस लाइन में MT प्रभारी के रूप में पदस्थापित थे। जब विभागीय कार्य के लिए उन्हें खोजा गया तो पता चला कि उनका दरवाजा बंद है, जिसके बाद लगभग 11:30 बजे पुलिस जवानों के द्वारा उनके कमरे के दरवाजे को तोड़ा गया तो वो पंखे से लटके हुए मिले। जबकि अभिषेक सुबह लोगों से समान तरीके से बात किए थे। उनके भाई एग्रीकल्चर कॉलेज में नामांकन कराए हैं, उनसे भी बातचीत हुई है। 10:30 बजे DSP पुलिस लाइन से भी बात हुई है। सरकारी विभागीय काम के लिए जब उनकी खोजबीन तेजी से होने लगी तब पता चला कि वो अपने कमरे में बंद है, दरवाजा तोड़ा गया तो वो पंखे से लटके हुए मिले। कारण का पता अभी नहीं चल पाया है। वहीं FSL की टीम हर एक बिंदु पर जांच कर रही है। अभिषेक कुमार जो परिचारी MT परिचारी के रूप में भागलपुर जिला में पदस्थापित थे, इनके बारे में सूचना मिली कि करीब 11:30 बजे इनका दरवाज़ा बंद है और खुल नहीं रहा है, जिसके बाद यहां पर उपस्थित पुलिसकर्मियों के दरवाज़ा को तोड़ा गया तो अंदर से उनकी जो है उनका शरीर जो है पंखे से लटका हुआ पाया गया। प्राइमा फेसी जो है सुसाइड करने की घटना प्रतीत होती है। FSL को बुलाया गया है और इस संबंध में और भी चीज़ें जानकारी ली जा रही है। ये गया जिले के रहने वाले थे। क्या कारण लग रहा है सर अभी प्रथम? देखिए, इस स्टेज पे कुछ कहना संभव नहीं है कि वो किस मानसिक परिस्थितियों से गुजर रहे थे, लेकिन कल का घटनाक्रम हम लोगों ने एस्टैब्लिश करने की कोशिश किया है, जिसमें पता चला है कि ये रात्रि गश्ती भी किए थे और उसके बाद सवेरे जो है इनकी कुछ जो यहाँ पे और अफसर रहते हैं उनसे बातें भी हुई है, और इनका एक भाई जो एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लिया है वह भी था यहाँ पर। उसके बाद करीब 10:15 बजे DSP पुलिस लाइन से इनकी बात भी हुई है, जिसके बाद इनका दरवाज़ा बंद था, किसी सरकारी काम के कारण इनकी खोज होने लगी तो लोगों ने पाया कि इनका दरवाज़ा बंद है, और जब काफ़ी प्रयास के बाद नहीं खुला तो फिर जबरन तोड़ना पड़ा और अंदर में जो शव है वह कोई सुसाइड नोट वगैरह तो सर नहीं है? अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। FSL की टीम जब आ जाती है तो उनके साथ फिर हम लोग एक बार हर एक चीज़ का जो है निरीक्षण माइन्यूटली करेंगे, लेकिन अभी तक कोई शव कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।
सात दिनों तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम का आज से श्री गौशाला में शुभारंभ हुआ। कथावाचिका जया किशोरी ने शहरवासियों को भक्ति रस का पान करवाया। श्री गुरु सेवा समिति के तत्वाधान में आज 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक होने वाले भागवत कथा ज्ञान महोत्सव में मशहूर कथावाचिका जया किशोरी का प्रवचन प्रारंभ हो गया। यह भागवत कथा ज्ञान महोत्सव 7 दिनों तक चलेगा, जिसमें कथावाचिका जया किशोरी अंग प्रदेश के लोगों को भक्ति में रसपान कराएंगी। 7 दिनों तक चलने वाले इस श्रीमद् भागवत कथा के कार्यक्रम को लेकर कई कमेटियां बनाई गई है, ताकि इस कार्यक्रम में किसी तरह का व्यवधान लोगों को न उठाना पड़े। कार्यक्रम के पहले दिन सुबह शहर में कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बनारस से आए 51 पंडितों ने अपने मंत्रों से पूरे शहर को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके बाद 3 बजे ब्यास पीठ पर मशहूर कथावाचिका जया किशोरी के आते ही लोगों में काफी उत्साह देखा गया। जया किशोरी के कथा को सुनने के लिए भागलपुर व भागलपुर के आसपास के कई जिलों के लोग इकट्ठा हुए हैं। कथावाचिका ने सनातन धर्म से जुड़कर रहने, देश से प्रेम करने और धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा रखने की बात युवाओं से की। भागलपुर की श्री गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा को सुनने वालों की भीड़ लगी रही। पूरा पंडाल कृष्ण भक्तों से पटा पड़ा था। जो सबके पास है वो सबसे कीमती है। ऋषिगण यही कहना चाह रहे हैं कि कितना है, कम है, ज्यादा है, ये बाद की बात है, पर है सबके पास, तो कीमती कैसे हुआ? कीमती तो हो कि वो किसी किसी के पास मिले, जल्दी से मिले ही ना, ढूंढना पड़े उसको, उसको तो कीमती कहेंगे ना, तो सब कहे फिर ऐसा क्या है? भागलपुर की सन्होला थाना क्षेत्र की घोगा सन्होला मुख्य मार्ग पर तस्कर ने शराब से भरा फेंक कर फरार हो गया, जिसके बाद शराब की बोतल सड़क पर बिखर गई, जिसे लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। दरअसल झारखंड से सन्होला के रास्ते शराब तस्कर शराब से भरा बैग लेकर जा रहा था। सूचना के बाद पुलिस ने तस्कर का पीछा किया, जिसके बाद चलती गाड़ी से तस्कर ने सड़क पर बैग फेंक कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची एंटी लीकर टास्क फोर्स की टीम ने शराब की बोतल को समेट कर अपने साथ ले गई। के बाद गया उधर गांव तरफ, गांव से जो आदमी सोचा रहा कि क्या स्पीड में जा रहा है, तो गाँव वाला सब गए उधर से देखा, मतलब डिलीवरी पसंद नहीं है कुछ होगा, गांव से उधर आया। उसके बाद जो है यहाँ पूरी पीछे जो लगे रहा था, उसके बाद यहाँ आया, पकड़ाया और बहुत माल था, उसके बाद टिका गया कहीं छिपा दिया, उसके बाद जो यहाँ पकड़ाया, उसके बाद लेके गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार सरकार हर पंचायत व प्रखंड में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी बाबत आज संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की आम जनता तक पहुंच व सुझाव को लेकर भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर प्रखंड के गोसाईदासपुर पंचायत के हरिदासपुर पंचायत भवन में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने की। इस जनसंवाद कार्यक्रम में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अपने उद्बोधन में लोगों को बताया कि बिहार सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिसको लेकर लोग अभी भी जागरूक नहीं है या योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, उसको लेकर यह जनसंवाद कार्यक्रम हर पंचायत व प्रखंड में आयोजित किया जा रहा है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की जानकारी योजनाओं के तहत नहीं हो पा रही है तो आप अपने प्रतिनिधि से मिलिए और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ उठाए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जिन लोगों को सरकार के द्वारा योजनाओं की जानकारी नहीं है उसे जानकारी दिलाना और उनके मौलिक हक को उन तक पहुंचाना। वहीं जिलाधिकारी ने आम लोगों से कहा कि अपने बच्चों को को एजुकेशन में पढ़ाएं, जहां लड़का और लड़की एक साथ पढ़ते हो, इससे बच्चे ज्यादा विकसित होते हैं। साथ उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पेयजल साफ सफाई को लेकर भी कई दिशा निर्देश देते दिखे। हम लोग सब लोग जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हर एक पंचायत में जो है एक हाई स्कूल रहेगा
और उस हाई स्कूल में लड़के लड़कियां सभी लोग को एजुकेशन। अब वो बात पुरानी बात हो गई, लड़के अलग पढ़ेंगे तो मेरा मानना हो सकता है कि कोई इससे डिफर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लड़के लड़कियों को जो को एजुकेशनल सिस्टम है उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा उसमें भागीदारी रहनी चाहिए, साथ में पढ़ना चाहिए। तो यहाँ भी है और उसमें भी जो है एक इंग्लिश प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर का दिया गया है। तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के अभूतपूर्व काम हो रहा। अब हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग अपने बच्चों को समय से स्कूल भेजें। जो ये नए टीचर्स आए हैं काफी अच्छे क्वालिटी बीपीएससी परीक्षा पास करके आए हैं, तो आप देखिएगा कि बहुत जल्दी जो है स्कूल में शिक्षकों की जो समस्या पहले हम लोग सुनते थे कि शिक्षक नहीं थे, ये एकदम लगभग में खत्म हो जाएगी। उसको हम लोग चेक करवा लेते हैं, ऐसा नहीं हो कि ऊंचा रोड बनाया जाए और उसके कारण अचानक से जो है कटाव बढ़ जाए, क्योंकि जब आप लेवल से ऊपर करिएगा पानी का दबाव पड़ेगा तो हो सकता है कि एक जगह पे जो है उसमें जैसा इंजीनियर्स बता रहे हैं, उसका टीम ने स्टडी भी किया, लेकिन फिर भी हम लोग इसको यहाँ से मुख्यालय में भेज देंगे कि कैसे इसको हम लोग ऊंचा करके रोड को और हम लोग बेहतर कर सके, उसको हम लोग दिखवा लेंगे। जो आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि लघु सिंचाई विभाग हो, ग्रामीण विकास विभाग हो, कृषि विभाग हो, चेक डैम वगैरह का हम लोग निर्माण कराते हैं। यहाँ भी जो लघु सिंचाई विभाग ने बताया है कि गुरियानी नदी पर चेक डैम ग्राम बिहारीपुर में ग्राम फतेहपुर कामाघाट के नजदीक और इटहरी नदी पर जो है चेक डैम का निर्माण भदौरिया पंचायत में ये तीन प्रपोजल गया हुआ है। बहुत जल्दी जो है स्वीकृति के बाद इसमें भी काम शुरू होने की संभावना है। वहाँ पर 50% काम जो हेल्थ सब सेंटर का है वो कम्प्लीट भी हो गया है। यहाँ तीन ही जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है CHO वो बैठते भी है। सोम मंगल और बुध हमने डेटा भी लिया है कि अक्टूबर में कितने मरीजों को यहाँ से जो पंचायत में अभी जो CHO की बहाली हुई है कितने, अभी इंडिपेंडेंट आ जाएंगे कुछ दिन में, अभी दो जगह का चार जगह तीन दिन यहाँ बैठते हैं, तो अक्टूबर में 990 मरीजों का यही गाँव में जो है इलाज हुआ है और ये ऑनलाइन डेटा है, कोई भी देख सकता है। ये सारा काम हो रहा है। अब एक एक विभाग का हम गिनाना शुरू करें, एक घंटा 5 लाख तक की सब्सिडी, ऋण भी साधारण किस्तों में आपको लौटाना है। देखिए नौकरियां तो भरमार निकल रही हैं, चाहे वो पुलिस की बहाली हो, शिक्षकों की बहाली हो या अन्य किसी भी तरह से, जो भी युवा युवक युवती अभी मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, निश्चित रूप से आप मान के चलिए आगे आने वाले 2-3 साल में आपका कहीं ना कहीं किसी विभाग में हो जाएगा। फिर भी कुछ युवक युवतियां हो सकते हैं जिनको लगे कि हम अपना व्यापार करें, जैसे इसी जिले में कई उदाहरण है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का काम उन्होंने 10 लाख के सहायता में शुरू किया और 2-3 साल 4 साल में उनका जो है डबल हो गया। भागलपुर की समाहरणालय परिसर में राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के आह्वान पर जिले के सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर ने 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल करते हुए धरने पर बैठ गए और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारा भी लगाते रहे। सभी डाटा ऑपरेटर वेतनमान बढ़ाने और अस्थायी कर्मी की मांग को लेकर 2 दिवसीय सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। कर्मियों ने बताया कि अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। कर्मियों ने यह भी बताया कि यह आंदोलन तो झांकी है, बड़ा आंदोलन बाकी है। धरना स्थल पर काफी संख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटर मौजूद थे। समस्याओं को पटना सरकार तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारी एक ही मांग है, हम सभी बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामर आसुलिपिक IT बॉय एवं गर्ल को जो जिस विभाग में कार्य कर रहे हैं उसको उसी विभाग में सेवा समायोजन कराया जाए, क्योंकि अभी जो हमारी व्यवस्था है वो आउटसोर्सिंग की व्यवस्था है। बेल्ट्रॉन एक उर्मिला कंपनी को रखी हुई है जिसके तहत हम लोग का जो है चाहे ज्वाइनिंग लेटर निर्गत होता है या हम लोग को पेमेंट मिलता है, तो उस उनको बीच में रखा इसलिए गया है ताकि हम लोग को डायरेक्ट नहीं किया जा सके। इसलिए हमारी मांग है कि उर्मिला इंटरनेशनल जो भी हैं उनको हटाया जाए और हमको विभागीय सेवा समायोजन किया जा रहा है। 28 और 29 दो दिन का कार्यक्रम है और ये बहुत ही बताते हुए आश्चर्य हो रही है कि जो बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामर आसुलिपि जो कार्यरत हैं वो आज अपना सिल्वर जुबली मना रहे हैं, यानी कि पूरा 25 वर्ष अपना पूरा कार्यक्रम दिए हैं, कार्य दिए हैं यहाँ पे विभाग में, लेकिन उसके बावजूद जो है कहा जाता है आज़ादी। आज़ादी का मतलब क्या होता है?
आज़ादी का मतलब होता है आज़ाद इंसान, आज़ाद मन, आज़ाद तन। लेकिन क्या हम आज़ाद हैं? अंग्रेजों से तो हमने आज़ादी पा ली है, लेकिन बिहार सरकार की जो कुव्यवस्था है, कुनीति है, वो आज भी हमें गुलाम बनाकर रखी हुई है। पिछले 25 वर्षों से लगातार कार्यालय में हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार एक ऐसी व्यवस्था को की हुई है जिसके माध्यम से हम लोग को आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अंतर्गत काम करना पड़ता है। आज जब सिल्वर जुगली किसी विवाहिक जो वर्षगांठ होता है उसमें बहुत धूमधाम से केक काटते हैं, बहुत हंसी खुशी से अपने परिवार के लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन 25 वर्ष पूरा होने के बावजूद बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर संघ और राष्ट्रीय रेडियो एकता मंच के तत्वाधान पर जो संयुक्त आह्वान पर ये जो बैठक की गई है, बहुत ही कहते हुए दुखी हो रही है कि 25 वर्ष पूरा करने के बावजूद आज हम लोग सिल्वर जुगली मना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जो है बिहार सरकार की गलत नीतियों का हम लोग शोषित हुए हैं। लेकिन हम सरकार को इस आप लोगों के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है, चरणबद्ध तरीके से हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाए हुए हैं। पहले भी आप लोग हम लोगों को कवर करने के लिए आए हुए थे, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। इस दो दिन के कार्यक्रम के बाद सजौर के चंद्रमा गांव के पास रास्ते को लेकर विवाद में ट्रैक्टर पर धान की फसल लेकर लौट रहे युवक को गांव के एक व्यक्ति ने गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे मायागंज अस्पताल ले जाया गया। युवक की पहचान दरियापुर नगार गांव के 35 वर्षीय विजय यादव के रूप में हुई है। वो बिहार से धान की फसल लेकर लौट रहा था, तभी चंद्रमा गांव के पास अभय सिंह के परिवार वालों ने सड़क को आम रास्ता नहीं होने का हवाला देकर उसके ट्रैक्टर को रोक दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। इसी बीच बात बढ़ने पर गोलीबारी की घटना हुई। गोली युवक के सर के आसपास लगी। घटना में विजय नामक युवक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची सजौर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। वहीं घायल युवक के भाई हीरालाल यादव ने बताया कि चंद्रमा गांव में अभय सिंह का परिवार दबंग है, वो मेरे भाई से रंगदारी की मांग कर रहा था। इधर नीट इंचार्ज डॉक्टर सीएम सिन्हा ने बताया कि मरीज की सिर में गोली लगने की बात कहकर भर्ती कराया गया है। हमारी टीम ने इलाज किया, हालांकि गोली उसके सर को छू कर निकली है। मरीज की हालत खतरे से बाहर है, सर्जरी विभाग में मरीज को भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित 3 दिवसीय टैक्स पेयर हब मेला का आयोजन भागलपुर में 24 नवंबर से 26 नवंबर तक उत्साहपूर्वक संपन्न हो गया। कार्यक्रम पूरे देश के 7 शहरों में आयोजित किया जा रहा था, जिसमें अंग प्रदेश के हृदय स्थल भागलपुर भी एक शामिल रहा। कार्यक्रम समान जनों व करदाताओं एवं भविष्य के करदाताओं को ध्यान में रखते हुए करवाया गया। आयोजित कार्यक्रम में सूचना जानकारी प्रदान करने के अलावा शिकायतों को दर्ज करवा कर उसका यथाशीघ्र निदान कराने की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा आयोजित टैक्स पेयर हब मेले में बच्चों के लिए किड्स कॉर्नर की व्यवस्था थी। बिहार के कई जिलों से आए स्कूली बच्चों के बीच पेंटिंग प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया। वहीं विभिन्न स्कूल के बच्चों ने मंच पर नृत्य गायन से भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। 3 दिवसीय टैक्स पेयर हब मेले के समापन कार्यक्रम में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कुमार संजय, प्रधान आयकर आयुक्त निखिल चौधरी, आयकर आयुक्त भागलपुर, स्थानीय प्रशासन के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह, आयकर आयुक्त श्रवण कुमार, अपर आयकर आयुक्त रूपेश अग्रवाल, भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के अलावा शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे।